बीटा गामा। नेक्स्ट हमारा फोर है बाई क्वाड्रेटिक, अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स टू दी पावर फोर बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू, तो इसके जो हमारे जीरोज होंगे वो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है फोर, तो जीरोज कितने हैं फोर, जितने जीरोज होंगे उतने ही क्या होगी डिग्री होगी, और जितने जीरोज होंगे उतनी ही उसकी वैल्यू निकल करके आएगी डिग्री के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम यहाँ पर अगर पढ़ेंगे क्या इसका सम, तो सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा अब हमें दो दो लेने हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं, तो बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा और प्लस डेल्टा अल्फा प्लस क्या होगा अल्फा डेल्टा, अल्फा क्या होगा अल्फा गामा बीटा डेल्टा, इसकी वैल्यू सी अपॉन ए। अब हमें तीन तीन के पेयर बनाने हैं, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा। इसके बाद एक पॉइंट और जो बच रहा है हमारा, पहला पॉइंट क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसके बाद दो दो पेयर बनाए हमने फिर तीन तीन के, नेक्स्ट हमारा जो है उसमें फोर का जो है फोर जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इसकी वैल्यू होती है ई अपॉन ए। ये आपकी जो वैल्यूज हैं ये आपको सारी, पहली वैल्यू है सम ऑफ द जीरोस, दूसरी है सम ऑफ द जीरोस विद टू मल्टीप्लाई करने हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा और अल्फा गामा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा जो है यहाँ पे गामा और इसके बाद क्या होगा बीटा डेल्टा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा और डेल्टा अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू माइनस का डी अपॉन ए।